हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंगुलर और लारावेल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंट्रोलर का यूज़ क्या है, और कंट्रोलर से हमने व्यू को रेंडर करवाया था। आज हम देखेंगे कि मॉडल का यूज़ क्या है और कंट्रोलर में हम मॉडल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल जो है वो डेटाबेस एक्टिविटी के लिए है, और हम MVC का यूज़ इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मैनेजेबल रहे, उसके लिए हमें MVC का यूज़ करना है। तो हमने व्यू और कंट्रोलर देखा था, तो अभी हम मॉडल देख रहे हैं। तो मॉडल जो है वो डेटाबेस एक्टिविटी के लिए, जैसे हमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, वो सब अगर हमें क्वेरीज और वो सब लगाना है तो हम मॉडल से मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं ऐप में, मॉडल्स। यहाँ पे मैंने मॉडल्स नाम का फोल्डर बना दिया है, उसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ employee.php, क्योंकि हम एम्प्लॉय के लिए क्रड बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर कंट्रोलर में जाके टेस्ट कंट्रोलर की जगह पे एम्प्लॉय कंट्रोलर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर टेस्ट कंट्रोलर की जगह पे कर देते हैं। web.php में भी टेस्ट कंट्रोलर की जगह पे एम्प्लॉय कंट्रोलर कर देते हैं। @test की जगह पे यहाँ पर getEmployee। सबसे पहले हम डेटाबेस से डेटा फेच करवाएंगे, तो उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं getEmployee। उसके बाद यहाँ पर getEmployee कर दिया मैंने। अभी यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर उसमें गेट एम्प्लॉय मेथड कॉल हो रही है। अब हमने ये मॉडल बनाया है employee.php, तो उसमें मैं एक क्लास बनाता हूँ जो कि employee.php हमारा मॉडल बनेगा। तो php मैंने स्टार्ट कर दिया, क्लास एम्प्लॉय, उसमें मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट एम्प्लॉय। अब इस फंक्शन को हम कंट्रोलर से कॉल करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर इक्वल करता हूँ मॉडल कॉल्ड। अब एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाते हैं। अब ये मॉडल मुझे यहाँ पर यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज एप स्लेस, हमारा मॉडल कहाँ पे, एप स्लेस मॉडल्स स्लेस, और हमारा मॉडल का नाम है एम्प्लॉय। जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोलर इम्पोर्ट करवाया था, वैसे ही हमने यहाँ पर मॉडल भी इम्पोर्ट करवा दिया। अब यहाँ पर हम रिटर्न व्यू निकाल देते हैं और यहाँ पर मॉडल कॉल करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ वेरिएबल $EmployeeModel इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एम्प्लॉय का, न्यू एम्प्लॉय। उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाऊंगा जो हमारे एम्प्लॉय मॉडल में, कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, एरो फंक्शन का यूज़ करके मैं यहाँ पर गेट एम्प्लॉय कॉल करवा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एरर आ रही है, क्लास एप मॉडल्स एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो यहाँ पर employee.php में हमने यहाँ पर नेम स्पेस नहीं करवाया है, क्योंकि जब भी हम नेम स्पेस करवाएंगे तभी वो यहाँ पर क्लास मिलेगा। तो यहाँ पर नेम स्पेस, उसके बाद स्लेस एप स्लेस, हमारा फोल्डर कौन सा है, मॉडल्स। अब हम देखते हैं हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है मॉडल कॉल, तो हमारा कंट्रोलर से मॉडल कॉल हो गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मॉडल क्रिएट किया employee.php करके, जिसमें मैंने यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया। उसमें मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट एम्प्लॉय करके, जिसमें मैंने इको करवा दिया मॉडल कॉल्ड, और उसको एम्प्लॉय कंट्रोलर से कॉल करवाया। एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किसका, एम्प्लॉय का, और उसको एरो फंक्शन से कॉल करवाया। कौन से फंक्शन को, तो यहाँ पर गेट एम्प्लॉय को। तो इस तरह से कंट्रोलर में मॉडल कॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लारावेल में डेटाबेस कनेक्शन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।